यह है यमुनानगर के आजाद नगर की गली नंबर 0C का हाल, जहां लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सीवरेज लाइन चौक होने व निकासी के लिए पाइप ना डाले जाने के कारण यहां एक प्लाट में लंबे समय से गंदा पानी भर गया है, जिसने अब छप्पड़ का रूप ले लिया है, जिसका समाधान ना तो संबंधित विभाग कर पा रहे हैं ना ही प्लॉट मालिक। जब इस बारे में शिकायत पब्लिक हेल्थ में की गई तो उनका कहना था पाइप ही नहीं है, 15 दिन में आ जाएगा। जहां करोड़ों का फंड एक तरफ नगर निगम में आ रहा है, वहीं पाइप ना होने की बात कहकर यह विकास कार्य रोक दिया गया। लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी समस्या वहीं की वहीं है। इलाका निवासी इसके लिए CM विंडो भी लगा चुके हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ के एयर कंडीशन कार्यालय में बैठे विभाग के एक्सीएन व बाबू लोग सिर्फ पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। क्या कहना है इलाका निवासियों का, वो भी सुने। मेरा नाम विजय कुमार है। मतलब बहुत दिक्कत आ रही है, सीवर में पानी बह बह के गलियों में जा रहा है, और ना कोई यहाँ खंभे लगे हुए हैं। वायदा करके गए थे वो सुरेंद्र शर्मा कि खंभे आपके आए पड़े हैं, लगवा देंगे, कोई लगवाने नहीं आया। ये मिट्टी यहाँ डाल गए, ये 2 महीने हुए हैं, लोगों को निकलने का रास्ता बंद कर दिया, कि थोड़ा बहुत चाहते थे वो भी रास्ता बंद कर दिया इन्होंने। ये जो यहाँ सीवरेज का पानी इतना बड़ा तालाब बन चुका है, इसके लिए आप पिछले कितने महीनों से आप धक्के खा रहे हैं? मैं तो देखो जी, 1 साल से वहाँ पे PWD नेहरू पार्क के दफ्तर बना हुआ है, वहाँ के 2-3 बार आए हैं। वो कह रहे जी अब 1 महीने बाद करेंगे, वो ना आए हैं। वहाँ पर्चा भी हमने दे रखा है, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। मेन तो सुरेंद्र शर्मा ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो ही आके वो है। रोज फोन कर रहे हैं जी, रोज फोन कर रहे हैं, गली पूरी उनको फोन कर करके थक चुकी है, लेकिन उस समस्या का कोई हल नहीं हो रहा। फोन से ज्यादा मुझे दिक्कत है जी, मेरी दीवार में सारा पानी जा रहा है, दो इस लाइन का पूरा। तो पानी घरों के अंदर भी आ रहा होगा, हमारे अंदर कमरे में आके देख लो आप, तो कोई सुनाई नहीं देता। तो मेरा बेटा ने भी किया, कोई भी नहीं सुनाई देता। सुरेंद्र शर्मा जी के पास गए? हाँ जी, उसके पास भी गई, उसका बेटा भी बैठा था। एक दिन कोई मोहर लगवाने गई थी, उनको भी बोला, मैं कहा जी आप हमारा घर आके देख लो, सबसे ज्यादा मुझे दिक्कत है। तो आगे जी गली सारी गई थी, कोई नहीं सुनाई देता यहाँ। मदन चौहान जी की सुनवाई नहीं सुनाई दे रही है ना, क्या नाम है? डिप्टी मेयर रानी कालड़ा। डिप्टी मेयर के पास हमने फोन करवाया था, हमारे पड़ोस के बंदा, उनकी जानकारी है, लेकिन कहने का मतलब वहाँ भी सुनाई नहीं हुई। वो उनको फोन करते हैं, वो कह रहे हैं जी वहाँ काम चल रहा है, तो यहाँ तो काम कोई चल ही नहीं रहा। ये वो डिप्टी मेयर को भी गोली दी जा रही है। मकान एक लेन में है, दोनों पास से लेन की सारा पानी इधर प्लॉट में जा रहा है, गटर में सारे ब्लैक बैक मार गए हैं। अभी आते वो बस ये बोलता है कि कल परसों कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? पूजा नाम है हमारा। यहाँ पे मैं 3 साल हो गए आए हूँ, यहाँ पे मच्छर इतने बड़े बड़े डेंगू हैं, हमारा बच्चा भी जॉन्डिस से अभी होके गुजरा है, रवि हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा गंदगी है, हमें झेल रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, दिन भर हम बाहर नहीं निकलते हैं, रात भर छत पे चढ़ते हैं, अंदर बैठते हैं, पंखे भी क्या करेंगे उसमें। तो क्या पे कोई एक ही नहीं है इस गली के अंदर ना, यहाँ पे सुरेंद्र शर्मा यहाँ पे कुछ कर रहा है। 3 दिन का टाइम मुझे खुद मेरे सिर पे हाथ फेर के ये बात करके कहता है बेटा तू गरम मत हो, मैं खुद बुधवार को यहाँ पे करवाऊंगा, हम इसलिए चुप होके बैठ गए थे। कुछ नहीं MC यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ का MC। ताकि आगे गर्मी आ गई है, डेंगू फैलने का पूरा खतरा है। लेकिन जहां आप देख रहे हैं इतनी बड़ी समस्या है, विभागों के पास इतना बड़ा बड़ा फंड आ रहा है, और जो लोग पार्षद हैं या जो कहीं जिनका काम है, वो लोग इस तरफ से सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ने हैं कि पाइप नहीं है। मुझे इस सरकार की समझ नहीं आ रही, वो कर क्या रही है, वो पैसे इकट्ठे कर रही है या पार्षद अपनी जेब में डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटी सी प्रॉब्लम है, 60-70 फुट का पाइप डलना है, कोई नहीं डलवा सकते, वो बताओ, देखने नहीं आते। बजट में नहीं है, बजट तो बनाना पड़ता है जी, बजट की कह रहे डिप्टी मेयर कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं बजट नहीं है, सुरेंद्र शर्मा कह रहा है कि हमारा बजट खत्म हो गया। बजट कह रहे छोटा सा काम है, मैं कम से कम नाली तो बनवा दो, नाली बनानी चाहिए, कम से कम मच्छर तो निकल जाए यहाँ से सारे। अब ज्यादा मच्छर आ जाएंगे तो चीवर, देखो चीवर हो गया। फिर आने वाले टाइम में हमें इस गली की वोटें नहीं चाहिए, जब बजट नहीं है तो हमारे पास वोटें भी नहीं है। इनका पीछे क्यों मांगने आते हैं? सुरेंद्र शर्मा जी के पीछे भाई रहता था, उन्होंने कहा है कि आप सब मल्ले वाले वोटें डाल दो, मैं काम करवा दूंगा। वो मैंने उनसे पूछा कि ये गली का काम, कह रहा कब का पास हो चुका है, आपको पता ही नहीं है। मुझे कह रहे कि आपको पता था गली का तब पता चलेगा जब गली बनेगी, जब नालियां बनेगी, सीवरेज के पाइप डलेंगे, हमें तो तब पता चलेगा ना जी। देखो इतने बार हम सुरेंद्र शर्मा के पास भी 4-5 चक्कर लगा चुके हैं, कम से कम 20 बंदे भी जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या पता वो दे दिया कि गलियां बन गई है, लेकिन गलियां बनी नहीं है। कागज में दिखा रखा होगा ये बन गई होगी, जी बन गई होगी, तभी नहीं कोई गौर कर रहा हमारी। अभी 15-20 दिन पहले कोई सुनवाई, तभी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। बड़ी बात यह मुद्दा अखबारों की सुर्खियां भी बन चुका है, वो फ्रंट पेज पर इस इलाके के बारे में खबर भी छप चुकी है।
बड़ी बात, अनगणित नई कॉलोनियां शहर में कट रही हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था पुरानी कॉलोनियों में भी सुचारू नहीं है। जहां पक्की गलियों को तोड़कर फिर बनाया जा रहा है, वहीं सालों से विकास के इंतजार में कई कच्ची गलियां आज तक पक्की नहीं हुई व सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं हुई। इस इलाके के पार्षद सुरेंद्र शर्मा, जो सिर्फ स्वच्छता कार्य करवाने की बात करते हैं, असल में सिर्फ आश्वासन देकर ही चले जाते हैं। इलाका निवासियों का यहाँ तक भी कहना, कागजों में यह गली बन चुकी है, लेकिन असल में आज तक इस गली को बनाया या यहाँ कोई विकास कार्य ही नहीं किया गया। गर्मियाँ नज़दीक है व मच्छर मक्खियों की भरमार इस इलाके में अभी से हो चुकी है। हाल ही में एक छोटे बच्चे की मौत भी बीमारी के कारण हुई। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बीमारियों की चपेट में है, लेकिन नगर निगम व पब्लिक हेल्थ विभाग को यह सब नज़र नहीं आता। जिन विभागों के लिए करोड़ों के फंड आते हैं, उसी विभाग के पास एक पाइप तक ना हो, यह कैसा विकास है।